कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 22 सितंबर को पंचतत्वों में विलीन हो गए। 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव ने मौत से जंग लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर जहां पूरे देश शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच स्टैंड अप कॉमेडियन रोहन जोशी के कमेंट ने बवाल मचा दिया है। रोहन ने राजू श्रीवास्तव की मौत पर असंवेदनशील कमेंट किया है, जिस पर लोगों ने उनकी जमकर लताड़ भी लगाई है। हालांकि मामले को बढ़ता देख अब रोहन ने माफी भी मांगी है। दरअसल राजू श्रीवास्तव की मौत पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर हुए ट्रोल के बाद रोहन जोशी ने सिर्फ अपने विवादित कमेंट को डिलीट किया, बल्कि इसके साथ ही एक पोस्ट करते हुए अपनी सफाई भी दी। रोहन ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है, यही सोचकर डिलीट किया क्योंकि एक मिनट के गुस्से के बाद मैंने सोचा कि आज पर्सनल फीलिंग्स को सामने लाने का दिन नहीं है। सॉरी अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया। बता दें कि इससे पहले 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव के चले जाने के बाद जब फैंस और परिवार शोक में डूबे थे, वहीं सोशल मीडिया पर आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी था। इसी बीच यूट्यूबर अतुल खत्री ने भी पोस्ट शेयर कर राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए लिखा था कि उनकी मौत इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अतुल खत्री ने श्रद्धांजलि पोस्ट पर रोहन जोशी ने लंबा चौड़ा कमेंट लिखा। इस कमेंट में रोहन ने राजू के लिए आपत्तिजनक बयान देते हुए लिखा कि हमने एक चीज नहीं खोई है, चाहे ये कर्मा था, चाहे रोस्ट था या न्यूज में कोई कॉमेडी। राजू श्रीवास्तव ने स्टैंड अप की नई लहर शुरू होने के बाद नए कॉमिक्स के खिलाफ बोलने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रोहन जोशी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि भले ही उन्होंने कुछ कुछ अच्छे जोक्स बोले होंगे, लेकिन वो कॉमेडी की स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। चलो छुटकारा तो मिला, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।